कैंसर से डरे नहीं लड़े। श्रीराम कैंसर व सुपर स्पेशलिटी सेंटर आप सबका स्वागत करता है। राजस्थान के सबसे बड़े कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है डॉक्टर संदीप बैरवा जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारियाँ देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप बैरवा, श्रीराम कैंसर सेंटर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। मैं आपसे आज ब्रेस्ट कैंसर के विषय में चर्चा करने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स हमारे यहाँ एडवांस्ड स्टेज के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के विषय में रिसेंट टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, जिसके ज़रिए अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के 80-90% पेशेंट्स कैंसर फ्री हो जाते हैं। परंतु हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट एडवांस स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब तक पेशेंट का डायग्नोसिस बनता है तब तक ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होके लंग्स में, लीवर में, बोन्स में और ब्रेन में स्प्रेड कर चुका होता है। एंड इस दौरान स्प्रेड करी हुई बीमारी के ट्रीटमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, पेशेंट को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम इस बात को समझें कि कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। सावधानी ही सुरक्षा है। समस्त महिलाओं से, पर्टिकुलरली 40 साल से ऊपर की महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है कि वो हॉस्पिटल में जाके मैमोग्राफी प्लस सोनोग्राफी के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराएं। ये मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जिकल थेरेपी ट्रीटमेंट मेथड के अंदर इंक्लूड की जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर पहले हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी के ज़रिए ब्रेस्ट ट्यूमर के साइज़ को श्रिंक करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर सर्जरी के दौरान रादर देन की होल ब्रेस्ट को रिमूव करने के बजाय बेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी पॉसिबल हो पाए। तत्पश्चात हम रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी में काफ़ी पेशेंट्स में हार्मोनल थेरेपी के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एडवांस ब्रेस्ट कैंसर मेलिगनेंसी के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। एंड ये सारी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, हार्मोनल इंक्लूडिंग इम्यूनोथेरेपी श्रीराम कैंसर सेंटर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और मैं अपने सेशन को इस बात के साथ में एंड करना चाहता हूँ कि हम इस बात को समझें कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद। वेलकम।